1 लाख क्रॉस कर गया। हमने इसका नाम सदस्यता अभियान नहीं रखा है जी। हमने इसका नाम रखा है बजरंग दल भर्ती अभियान जी। इसलिए रखा है जैसे सीमा पर हमारे देश की सुरक्षा करने का काम सैनिक करता है जी। तब जाकर हम सिविल के लोग यहाँ ठीक प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत कर लेते हैं। और ठीक उसी प्रकार देश की आंतरिक सुरक्षा का कोई विषय होता है, वो गाय हो, वो मंदिर हो, धर्म क्षेत्र के जो भी काम होते हों, हिंदुत्व पर किसी भी प्रकार का कोई प्रहार होता हो, तो बजरंग दल जैसे सीमा पर सैनिक एक प्रहरी के रूप में खड़ा होता है, और ठीक उसी प्रकार बजरंग दल सैनिक के तर्ज पर सिविल के अंदर हिंदू धर्म के मानबिंदों की रक्षा करने का काम पूरे देश के अंदर करता है। इसलिए हमने इसका नाम भर्ती अभियान रखा है। ये भर्ती अभियान करने के बाद इस बार 25 साल पूरे हो रहे हैं बाबर के ढांचे को गिरे हुए जी। तो 25 साल पूरे होने पर जब 1528 ईस्वी में बाबर आया, उसका सेनापति मीर बांकी आया, उसने भगवान राम के जन्म स्थान को तोड़ा और बाबर के नाम की मस्जिद बनाई। तो 1528 से लेकर के 1992 तक राम के जन्म स्थान को मुक्त करने के लिए 3.5 लाख हिंदुओं का बलिदान हुआ है पूरे देश में। हम 1528 से हमारे पूर्वज लड़ रहे थे, हम हर लड़ाई को हार रहे थे, और 1984 में हमारे पास ये विषय आया संघ परिवार के पास कि राम का जन्म स्थान मुक्त होना चाहिए। तो 3.5 लाख लोग राम के जन्म स्थान को मुक्त करने के लिए हमारे बलिदान हो गए, शहीद हो गए। तो बाबर के ढांचे को गिराए हुए 25 साल पूरे होने पर पूरे देश के अंदर हम रजत वर्ष के रूप में इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। ये रजत वर्ष है, 25 साल को हम रजत वर्ष बोलते हैं। तो सभी जिला केंद्रों पर बागेश्वर में भी हम 5000 नौजवानों को बजरंग दल से जोड़ने का काम चला रखा है। अभी तक हमने 3000 से अधिक नौजवान बागेश्वर के अंदर भर्ती किए और 5000 नौजवानों को हम बागेश्वर में भी जोड़ लिए। तो उसका एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन का कार्यक्रम हम बागेश्वर में भी करेंगे, और एक पहले जनसभा करेंगे, और सभा करने के बाद में यहाँ का जो बेलोना गाँव है उस गाँव के पुल के पास से हम शहर के अंदर एक बड़ी बाइक रैली का आयोजन करेंगे। ये होगा 6 दिसंबर को समय 11 बजे। बेलोना का मंदिर क्या है, स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर पर कार्यक्रम शुरू होगा, वहाँ थोड़ा उद्बोधन होगा। हम 6 दिसंबर का कार्यक्रम क्यों मनाते हैं, हम इसको शौर्य का प्रतीक क्यों कहते हैं, इसके बारे में हमारे जो यहाँ के कार्यकर्ता वो पर विषय को रखेंगे। और उसके बाद के बाद में फिर पूरे शहर के अंदर शहर के प्रमुख स्थानों से होते हुए हम नुमाइश के मैदान पर इस कार्यक्रम का समापन समारोह करेंगे।